हो गया है चुनावी तारीखों का ऐलान, फिर मचेगा सियासी घमासान। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दोनों राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में दो फेज में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही एनडीए के दलों में भी दोनों राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर जंग तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में बीजेपी सहयोगी दलों को ज्यादा रियायत देने के मूड में नहीं है। बीजेपी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को अपने कोटे से सिर्फ एक सीट देने को तैयार है, लेकिन सूत्रों की माने तो चिराग इस पर तैयार नहीं है। अपने कैडर को संतुष्ट रखने के लिए चिराग पासवान राज्य की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। चिराग फिलहाल विदेश दौरे पर हैं और उनकी पार्टी का अंतिम फैसला उनके लौटने पर ही तय हो सकेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीट हैं, इनमें बीजेपी 145 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना सिंधे गुट को 85 से 90 सीट देने पर सहमति बनने के आसार हैं, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो यहां कुल 81 विधानसभा सीट हैं एनडीए के। सहयोगी दलों में यहां भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में बीजेपी 68 सीटों पर दावा पेश कर सकती है। आजसू की 11 सीटें और जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद सीट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को जरूर मिलेगी। इस खींचतान को बीजेपी कैसे मैनेज करती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये हमें कमेंट करके बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।